नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश ठाकरे रॉयल सिविल इंजीनियर नाम का यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ आपको बेसिक जानकारी देने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो है कंक्रीट हम लोग जो करते हैं साइट पे, तो उसका स्लम क्या होना चाहिए, स्लम रेंज क्या होना चाहिए। जैसे आप रिटेनिंग वॉल कर रहे हैं या कॉलम कर रहे हैं, बीम कास्टिंग कर रहे हैं, स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, हाँ डैम का कास्टिंग होता है, तो वहाँ पे स्लम रेंज क्या होना चाहिए, इस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, कंक्रीट मिक्स और उसका स्लम रेंज। तो दोस्तों पहला है कॉलम। कॉलम में 75 से लेके 150 mm तक स्लम रहता है, उसमें हम लोग एज़ पर साइट कंडीशन परमिसेबल करते हैं। दूसरा है रिटेनिंग वॉल, जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं तो उसका भी 75 से लेके 150 mm तक स्लम होना चाहिए। नेक्स्ट है बीम और स्लैब। बीम और स्लैब के लिए दोस्तों 50 से लेके 100 mm तक स्लम होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सीसी पेवमेंट। सीसी मतलब सीमेंट कंक्रीट, जो रोड हाईवे का कंक्रीट होता है दोस्तों, तो उसका स्लम 20 से लेके 30 mm तक होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है डेक ऑफ ब्रिज। ब्रिज के लिए जो भी हम लोग डेक कंक्रीटिंग करते हैं उसका स्लम होना चाहिए 30 से लेके 75 mm। वाइब्रेटेड कंक्रीट जो होता है उसका स्लम 12 से लेके 25 mm तक होना चाहिए। और दोस्तों आखिरी है ह्यूज मास कंस्ट्रक्शन, जो डैम वगैरह होता है, बड़े बड़े हेवी कंस्ट्रक्शन होते हैं, बड़ा पोर होता है, वहाँ पे 25 से लेके 50 mm तक स्लम होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में अपने टॉपिक्स लिख के भेज सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए दोस्तों।